Hello guys, welcome to the channel Wicked Rider CS Vlogs. I hope all you all are doing well. So right now I am at Delhi Rohtak Highway. I've crossed Bahadurgarh with hell lot of jam. So that is why I didn't start the vlog earlier. And I am heading towards Shri Ganganagar. Yes, Shri Ganganagar. I got very late. I had to leave around 10 o'clock. But I had to leave 12:30. And because of that, I was very late. I scheduled to be very late. I don't know when I will reach 8-9. And secondly, I started from Dwarka at 12:30. एंड मेरे को बदरपुर क्रॉस करते करते बाईपास पे आते आते डेढ़ घंटा लग गया. मतलब इतना गंदा ट्रैफिक, अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे को इतना गंदा ट्रैफिक मिलेगा. बट स्टिल अब राइड तो करना था, जब प्लान था शेड्यूल कर चुका था, सारी प्लानिंग हो चुकी थी, कुछ निकलना तो था ही. थोड़ा सा लेट पहुँच जाएंगे और तो क्या है, भागा दौड़ी नहीं करनी. So yes, it is showing Rohtak 40 km. Rohtak ke baad mein jana hai Hisar, Maya Hisar bypass, Sirsa ke baad seedha Ganganagar. So it's a long route, approximately 450 km from Delhi. And as of now I have covered, bhai sahab lift maange the. As of now I have covered only 100 km. तो अभी पता नहीं क्या चक्कर है. मैंने गूगल आंटी से पूछा तो गूगल आंटी घर से दिखाई थी 450 किलोमीटर अप्रॉक्स. अभी मैंने यहाँ से चेक किया तो 381 किलोमीटर अप्रॉक्स. गूगल आंटी बोल रही है कि 6 घंटे की राइड ड्राइव है. तो लेट्स सी अभी कितनी देर में पहुँचते हैं, क्योंकि ब्रेक भी लेने पड़ेंगे 2-3. और यस, ब्रेक भी लेने पड़ेंगे. और हाईवे है, हाईवे का कुछ कह नहीं सकते. तो होपफुली एवरीथिंग गोज वेल. और यार आप लोग सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक्चुअली ये राइड मैंने प्लान इसलिए करी है बिकॉज जब मैंने चैनल स्टार्ट किया है सब्सक्राइबर्स ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, वीडियोस लोग लाइक कर रहे हैं. तो आई थॉट कि अब इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 महीने में एक राइड डाल दी, एक वीडियो डाल दिया तो हो गया काम. तो मेरा मोटिव है टू गेट इन टू यूट्यूब प्रोफेशनली. मतलब बहुत अच्छे से अपनी सारी क्रिएटिविटी दिखानी है यूट्यूब में. तो अभी गंगानगर जाने का रीज़न ये है कि एक फैमिली मैरिज है और सारे घर वाले बाय ट्रेन जा चुके हैं. तो हमने सोचा कि बाय ट्रेन क्यों जाया जाए, जब जाना ही है तो बाय रोड क्यों नहीं जाना जाए. इतना मस्त रास्ता है, इतना अच्छा हाईवे है. और लेट्स सी, होपफुली अगर कहीं सैंड वगैरह दिखती है, ओपन सैंड, बहुत टाइम हो गया देखे हुए, जो जैसलमेर की साइड दिखती है, जो बॉर्डर एरियाज की साइड मोस्टली दिखती है नज़र आती है. तो सोचा कि अगर ऐसा कुछ व्यू बीच में मिला तो राइड का मज़ा आ जाएगा. तो या सो गाइस, बहुत मेहनत लग रही है बार बार. मतलब आई डोंट वांट टू शेयर कितनी बार रुकना पड़ता है, ये करो, पॉज करो, चेक करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड उसके बाद में एवरीथिंग तो हेल लॉट ऑफ बिग डील है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लेट मी ग्रो. देखो आगे बढ़ाओ, मेरे को ऊपर उठाओ राइट, मैं ताकि मैं और क्रिएटिव चीज़ें और अच्छी चीज़ें कर सकूँ और अच्छी राइट प्लान कर सकूँ. एंड मैं मोस्ट प्रायर बेसिस पे YouTube ऑफिशियल, अपना चैनल ऑफिशियल करो. तो प्लीज़ सब्सक्राइब, यार वीडियो देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो. एंड लाइक द वीडियोज, लाइक करो. अगर यू डोंट लाइक द वीडियोज डिसलाइक करो, सो दैट आई विल गेट टू नो कि कहाँ मेरा टेस्ट डिलीवरेंस गलत जा रहा है राइट. तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज अभी इतना विंड ब्लास्ट आएगा. आई एम नॉट यूजिंग एक्सटर्नल माइक. विंड ब्लास्ट आएगा तो अभी वीडियो कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं. मैं आपको ये दिखाऊंगा टाइम लैप्स में फास्ट फॉरवर्ड थे. एंड यस,
जो मैंने सिटी मैंने सोचा था कि मैं घर से निकलते ही स्टार्ट करूँगा ब्लॉग, बट इतना ट्रैफिक था मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा इस ट्रैफिक में क्या बोलूँगा या फिर ट्रैफिक जल्दी से क्रॉस करें, तो इसलिए मैंने वो ट्रैफिक कवर तो किया है बट मैंने वो ब्लॉग नहीं किया। इसके बाद आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, तो हियर यू गो। ये यहाँ पे सारा कीनू लगा हुआ है जिसे हम माल्टा भी बोलते हैं, इस साइड में इसको माल्टा बोलते हैं। ये सारा कीनू लगा हुआ है, ये सब कीनू की उपज है यहाँ पे, यहाँ पे ही कीनू ग्रो होता है। ये देखो कैसे गिरे हुए हैं नीचे कीनू, मस्त यार, यहीं से तोड़ो यहीं से खाओ। बहुत मीठे कीनू हैं यहाँ के, बहुत मीठे, इतना अमेजिंग कीनू है। दिल्ली विल्ली मेट्रो सिटीज़ में तो ये लोग शक्कर वक्कर डाल के देते हैं। और ये सरसों लगा हुआ है इधर, क्या मस्त खेते हैं यार, क्या एकदम अमेजिंग फीलिंग है, ज़बरदस्त। सो राइट नाउ आई एम एट हिंदुमलकोट बॉर्डर, एंड ये जो सामने आप फेंस देख रहे हैं, ये सामने आगे की साइड जो फेंस देख रहे हैं, वो वॉच टावर देख रहे हैं, वो बेसिकली पाकिस्तान इंडो पाक बॉर्डर है, दैट इज़ इंडो पाक बॉर्डर। ये सामने इस खेत के जस्ट नेक्स्ट इंडो पाक बॉर्डर है। ये देखिए वॉच टावर, ये रही फेंस,
एक्चुअली अभी पूरा अंदर से घूम के आया हूँ, मेरा एक क्लोज रेफरेंस थे बीएसएफ में, तो उनकी बदौलत मेरे को पूरा अंदर से विज़िट करने को मिला। बट मेरे को वहाँ पे शूट करने की परमिशन मैंने इवन ज़्यादा इंसिस्ट भी नहीं किया, बिकॉज़ ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है और किसी को इस चीज़ के लिए बाधा बोलना अच्छा नहीं लगता। बट स्टिल जितना हो सकता है मैं दिखा रहा हूँ ये रोड के, देखिए मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ मैं इतना क्लोज हूँ पूरा वॉच टावर पाकिस्तान का। ये सरसों की खेती पीछे पूरा पाकिस्तान का वॉच टावर पूरा, बहुत अमेजिंग फीलिंग है, इतनी डिफरेंट फीलिंग है मैं उसको मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। Guys, I'm standing at just a kilometer away from Hindumalkot border, and ये सामने sunset होने का time हो गया और approximately एक kilometer बाद यहाँ से just straight border है। बहुत amazing feeling है, ये सारा कीनू लगा हुआ है इधर, मस्त एकदम, बहुत मज़ेदार feeling है। This is what I am riding. Thank you Amit sir for providing me this favor, the actual bull ghost rider wali. So bahut mast feeling hai yaar, maza aa gaya mereko. Main zyada shoot nahi kar paya wahan pe because prohibited tha, it was not allowed, so here it is, jitna bhi dikha sakta hu. Ab jo galat kaam karega wo aapka photo nahi dekhega, wo background dekhega bas.